गल जल्ले सैयद अपने हकनवाज शहीद थे, हकनवाज रहमतुल्लाह अलैह दूजे दिहाड़े मैं मस्जिद नबी चू फजर की नमाज पढ़ के पे निकल दम तो उस्ताद साहब भी पे निकल दें मैं पुछो डिठा ने शेख खलील ताल 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 उन्होंने आदत है इवें त्रै चार दफा ताल ताल मैं भी करीब थी दोस्त मोहम्मद साहब मैं जल्द करीब थी मैं खूब पै पूछ दें शेख खलील तारीफ हक नवाज मिन हक नवाज मन हक नवाज कौन है अजीब गल है मैं शायद रेडियो से सुनी उसने गल जो शहीद थी मैं कहता समय तो या उस्ताद ही फिर जराएत और फिर रेडियो ला ला मां समय तो शहीद मैं तो कई अखबार नहीं पढ़ा मैं तो कुछ है नहीं सुन है जी मैं कहता हूं क्यों पता है पर मैं ताल में ताल माई मेरे नाल जुल मैं घर गिन गया दरवाजा खोलने कावा खुद चाह के गिने खुद कावा पी लेन हूं बह गए मेरे नाल मैं रात को ख्वाब ही दिखे कान मजलिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी दी मजलिस सही कान होना कफी सिद्दीक अकबर फारूक आजम उस्मान गनी अली हैदर करार अशरा मुबशरा हसनैन करीम वो बिलाल रजी अल्लाह अनु मजमाइन ये रसूल्लाह दी मजलिस के अंदर बैठे नबी अकरम ई असना दे अंदर एक शख्स है मैं को आखिर लगे मैं देख के कई में शक्ल तैर नाल मिलती आई जिम्मे तू करा कुली टोपी की बैठे उ करा कुली टोपी की बैठे इवें जेले एन नबी की खिदमत ने अंदर साहबा की जमात खड़ी थी गई है ते साहबा की जमात ने पकड़ के सिद्दीक ते फारूक ने पकड़ के रसूल्लाह के सामने दोजानू बले ते अल्लाह के नबी ने जिम्मे डिठे मुस्करा देने फिर मैं पगड़ी ही नाओ अल्लाह के नबी ने पगड़ी में शुरू की है हिक वल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिते दूजा वाल अबू बकर कौम तू से खड़ा थी मुझे दूजा तू सा दियो सैयदना उमर त्रीजा वाल सैयदना उस्मान सैयदना अली अंदरू आवाज आई है अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह अम्मा आयशा की तरफ कुल तू सा मेरी तरफ कुल भी अवल दे छोड़ो अल्लाह मेरे बेटे दे मिशन दोते हैं गल करना आसान नहीं बहु मुश्किल है अगर मैं भी मारा खा दिन अल्लाह की कसम दसाना संग कितनी तकलीफ आई